अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, ट्रक का ड्राइवर बनना है, आप मर जाइएगा सरकार को कहते कहते आपको नहीं बनाएगी, आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब सीख गए ना और ट्रक चलाएंगे ना तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वे चोट्टा सिखाया था तुम। हम लोग 22 में जी रहे हैं और गरीबी नाप रहे 2012 के हिसाब। वाह, ये है डिजिटल इंडिया। देखो जिंदा रहने को आप अमीरी नहीं कह सकते, समझना कि जीविका और रोजगार में अंतर होता है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 200 रुपये का कोई अगर पकौड़ा बेचता है तो उसे रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसे जीविका कहेंगे। जिंदा रहने के लिए तो कुछ तो करेगा, वो जीवन चल रहा है, तब तो चोर भी कहेगा कि हम भी रोजगारे में हैं। अब कोई कह देगा कि तब कोई चोरी कर रहा है तो भी रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, जीविका है उसकी, समझना कि नहीं क्या वो गलत काम कर रहा है। तो देखिए, जीविका में और रोजगार में अंतर होता है। वर्ल्ड बैंक ने सबसे बेस्ट फॉर्मूला दिया प्रतिदिन का। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोई भी देश में $2, $1.9, तो हम इसे $2 कर दें, और ये 2018 का आंकड़ा है, तो अभी के 2022 के हिसाब से $2 पक्का हो गया। तो $2 प्रतिदिन अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $2 प्रतिदिन कमाते हैं तो गरीब नहीं है। 75 रुपया का $1 है, ये $1 कितने रुपए का? 75, तो कितना हो गया? 150। ये एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है। अगर घर का हर आदमी अगर 150 रुपया स्वतंत्र है खर्च करने का, तो क्या वो गरीब है? ये आंकड़ा हमको फॉलो करना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा वही है भारत सोने की चिड़िया। यहाँ आज भी आप 150 रुपये प्रतिदिन नहीं खर्च करते, आप लोग खर्च करते हैं प्रतिदिन 80 से 100 रुपया, क्योंकि आप जिस लॉज में रहते हैं उसका मिनिमम किराया होगा तो 1500, मिनिमम। मैक्सिमम के लिए आप जा सकते हैं, बट 1500 से नीचे पटना में कोई लॉज नहीं है। इट मींस आप प्रतिदिन रहने के लिए कितना दे रहे हैं? 50 रुपया। प्रतिदिन आपका रहने का कितना खर्च हो रहा है? 50, जो आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप एक ही बार पे कर रहे हैं। तो 50 रुपया तो आप पहले ही पे कर दिए। अब आप खाइए चाहे मत खाइए, तेंदुलकर समिति के हिसाब से अमीर है और रंगराजन के समिति के हिसाब से भी अमीर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि 33 रुपया शहर में खर्चा करता है और या रंगराजन के हिसाब से 47 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप भूखे मर भी गए पटना में, अपने लॉज में भूखे मर गए, लेकिन आप गरीब नहीं है। यह गरीबी पर बहुत बड़ा तमाचा है। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा। गरीबी केवल वोट के समय गरीबों की याद आती है, वहां पे गरीबों को राशन दिया जाता है, ये सब उनके लिए बैसाखी है। उनको शिक्षा देनी चाहिए अच्छी से। कोई जरूरी नहीं कि वो केवल कॉलेज में ही पढ़े, नहीं पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको टेक्निकल शिक्षा दी। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, ट्रक का ड्राइवर बनना है, आप मर जाइएगा सरकार को कहते कहते आपको नहीं बनाएगी। कहीं जाकर सरकारी जाकर ट्रक सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते, आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब सीख गए ना और ट्रक चलाएंगे ना तो पुलिस वाला पकड़ लेगा। ड्राइविंग लाइसेंस वे चोट्टा सिखाया था तुम, समझना ही नहीं क्या? एक गरीब इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए भी खुद से संघर्ष करना पड़ता, ये व्यवस्था है कहीं? अरे कम से कम पर्सनल गाड़ी मत, कमर्शियल तो उसको सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? वहां पर गरीब इंसान, आप मर जाएंगे ना यहाँ गरीबी से, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए, आप भूख से अपने लॉज में मर भी गए ना तो 1500 रुपया आपने अपने लॉज का किराया चुका दिया, इस हिसाब से आप अमीर हैं। 50 रुपया कितने का लगता है प्रतिदिन का? उस हिसाब से आप में कोई गरीब बैठा है बाबू? तब तो हमको सबको फीस लेना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है देश के प्रति, आज भी हम गरीब सबके लिए 200 रुपया लेंगे, कितना GST वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी पड़ जाता है यहाँ पर, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं शिक्षा देना ये सब करना? तो आप बताइए, आप में कोई गरीब है? कोई आदमी बताओ जो गरीब है? तो ड्राइविंग लाइसेंस का 2000 रुपया लगता है। हाँ बाबू, दो क्या लगता है? हम तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, मेरा लगभग मेरा 2500 रुपया लगा, तो दलाल के थ्रू गया होगा तुम तो दलाल लिया है उसको थोड़ी ना, चलान कटा था 700 का और ऐसे करके कुछ और भी लगा था। हम तो पूरे सिस्टम से गए थे, गए वहां पे तो सब चौंक गया था, सर आप यहाँ क्या करने? हम कहे कि हमको वो सब गलत काम हमारा से नहीं होता है। लाइन लगा के खड़े थे चुपचाप, सब वहां पे टेस्ट वोस्ट हो गया, फिर वहां ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ टेस्ट ड्राइव करना था वहां पे भी गए,
कहा कि सर चलाना पड़ेगा, तुम हमारा नहीं आता है क्या? उसमें एक जगह होता है ऊंचाई पे ले जाना, एक जगह होता है बैक करके पार्किंग करना, एक जगह होता है घुमाना, एक जगह होता है आठ बनाना इसे और फिर निकल जाना, हो गया सब यहाँ पे। तो जेन्युइन खर्च आते हैं, वो गवर्नमेंट को उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन गरीबी के लिए बहुत कुछ खास काम नहीं किया जाता है। जबकि आप बताइए, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में, उसने भारत को जो आंकड़ा दिया है क्या वो गलत दिया है? अगर आप प्रतिदिन 150 रुपया खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो बताइए 150 यानी 30 दिन आप यहाँ पे पटना में रहते हैं, तो 15 × 3 = 45, 4500 रुपया आपको खर्च करना चाहिए महीना में। अगर इतना प्रॉपरली आ रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम आता है। बहुत सारे लड़कों को 3500 आता है कि नहीं आता, 3500 आता है। महंगाई भी बढ़ गई है, हम लोग के समय तो घर से पैसा 1800 रुपया आता था, उस समय बहुत पहले, अभी तो उतना रेंटे लग जाता है। 22 में हम लोग 22 में जी रहे हैं, और गरीबी नाप रहे 2012 के हिसाब। वाह, ये है डिजिटल इंडिया। देखो संग, अभी तक कैलेंडर ना चेंज हुआ है गरीबी का। हम आंक रहे हैं कितना का, 2012 का, और जी कब रहे हैं 22 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे हम।